मेरा नाम है इंदिरा, कन्वर्शन नाम है जुनायरा नरमीन। मेरे बारे में जो भी ये न्यूज़ वायरल हो रहे हैं ये बिल्कुल फेक है। मैं अपने मर्जी से इस्लाम कबूल की है, मेरी शादी से और कन्वर्शन से कोई रिलेशन नहीं है। मैं अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करी, कोई ने मुझे कोई फोर्स नहीं किया, कुछ भी नहीं किया जी। मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में फेक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं मीडिया को, वो बिल्कुल फेक है, वो सही नहीं है। मेरे कि मुझे मेरे हस्बैंड ने फोर्स करके मुझे इस्लाम कबूल करवाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 3 साल पहले जब मैं कॉलेज में थी तभी बोली थी मैं पेरेंट्स को मुझे इस्लाम में इंटरेस्ट है, लेकिन वो लोग मुझे पढ़ाई से रोके, घर लेके गए और मुझे बहुत मारे, ब्लैक मैजिक भी करे मेरे साथ। फिर भी बोली थी मुझसे नहीं हो रहा, मैं इस्लाम नहीं भूल पा रही, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुने। थ्रू वेरियस मीन्स मेरे पेरेंट्स मुझे हरास करने की कोशिश कर रहे, मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और ईमेल्स भेज रहे, कोई किसी और से कॉल्स करवा रहे, थ्रेटनिंग कॉल्स करवा रहे। मेरे मदर इन लॉ को भी कॉल करवाए थे ऐसे ही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उन लोगों के साथ खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ही जीना चाहती हूँ, मुझे मुस्लिम बन के ही जीना है। प्लीज़ आप कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट को सही मत समझे, जो है वो समझने की कोशिश करें आप लोग। आपका ताल्लुक ब्राह्मीन खानदान से रहा, लेकिन अक्सर देखा गया है कि आप इस्लाम से बहुत ज्यादा करीब जी, आप इस्लाम की तारीफ में जी चाहते हैं कि बहुत कुछ बोला जाए, इतना बोलती हैं आप इस्लाम के बारे में, ये कैसे मुमकिन? देखिए, इंसान को मोहब्बत कहीं भी किसी से भी हो जाती है, वही बात है। अब मुझे जैसे उर्दू से हो गई मोहब्बत तो हो गई, उर्दू जबान अगर मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है तो है। ऐसे ही बस एक बहुत कुछ गलतफहमियां भी बहुत फैली हुई हैं, और मैंने जैसे कहा कि मेरे अब्बू बहुत कट्टर ब्राह्मण थे, मैंने उनको बहुत दुनिया भर के सब मैंने हमारे घर में काफी मैंने पूजा पाठ करते देखा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप किसी चीज से नहीं अगर जुड़ पाते तो नहीं जुड़ पाते, और चाहे अब इसे मैं अदब में आने की वजह से या आप लोगों को मैंने जब करीब से देखा, क्योंकि जब मैं मुशायरों में आती थी तो मुझे हमारे घर वाले बोलते थे अरे मुसलमानों के बीच जा रही है, उस वक्त दंगे वगैरह भी होते तो मुसलमानों के बीच जाते हुए डर नहीं लगता, इतने सारे उनके बीच में अकेले डर नहीं लगता? तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि इतने मतलब तहजीब वाले लोग, इतने मोहब्बत वाले लोग, इतने अदब नवाज लोग कैसे बुरे हो सकते हैं। और मुझे ये भी लगता था कि कहीं ना कहीं इनके कल्चर, इनके मजहब ने इनको वो चीज सिखाई है जिसकी कमी, कहीं ना कुछ कमी तो है, जो बचपन से जो आप लोगों को एक जो सिखाया जाता है वो कुछ कमी मैंने महसूस की है। मैं मेरे अंदर ही बोलती हूँ कि कुछ वो मैंने महसूस की, तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, जुड़ना शुरू किया। और मैं जब पढ़ना शुरू किया तो वही बात होती है कि कहीं जाके रूह में एक चीज उतरती है, और मुझे लगा इतना इतना प्यारा, इतना साफ शफाफ, इतना खूबसूरत मजहब है, और इस मजहब के लिए इतनी गलत फहमियां पैदा हुई। तो हम लोग और कुछ नहीं तो कम से कम ऊपर वाले ने अगर ये मौका दिया है कि अगर हम कोई बात समझा सकें तो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि जो मेरे आसपास मेरे करीब भी, अभी मेरे रिश्ते में भी ऐसा हुआ है कि मेरी एक भाभी मुशायरा सुन रही तो, और मेरी फ्रेंड मुशायरा इशारा किया था यौमे ख्वातीन के मौके पर, तो उन्होंने तब बोला कि हम पहली बार इतने मुसलमानों के बीच में आए हैं, पहली बार बड़े अजीब से लग रहे थे। तो बाद में आज वो लोग बोलते हैं कि धीरे धीरे हाँ थोड़े हम लोगों के डर वो दूर होता जा रहा है और वो गलत फहमियां दूर होती जा रही है। उन लोगों ने खुद ने बोला कि आपके पास अगर कोई किताब हो तो हमें दो पढ़ने के लिए, तो हम और कुछ नहीं कर सकते, पूरी दुनिया में तो हम सफाई नहीं कर सकते अगर गंदगी फैली हो तो, लेकिन हम अपने आसपास के माहौल को जरूर सुधार सकते हैं। तो मेरी कोशिश है कि अगर इसके बारे में कुछ गलत फहमी है तो मैं दूर कर सकूं। और यकीनन इस्लाम बहुत बहुत ही अच्छा मजहब है, और मेरा दावा भी है कि जो उसको समझने की पढ़ने की कोशिश करता है वो मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। इस्लाम से मुतालिक कुछ शेर हो जाए? इस्लाम से मुतालिक तो मैंने वैसे नज्म भी कही है, लेकिन मैंने जैसे एक हदीस सुन ली थी टीवी पे, तो अपने को जोड़कर कहने की कोशिश की कि मेरा किरदार कैसा है ये मेरा काम कहता है, मेरे आमाल कैसे हैं ये मेरा नाम कहता है, बड़े घर में ही रहने से बड़ा होता नहीं कोई है, जिसका दिल बड़ा वो है बड़ा इस्लाम कहता है। और दूसरी बात ये, मुझे जो भी इस्लामिक जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, जो कुरान में भी लिखे हुए हैं कई, या मैं कोई मेरी नजर से, जैसे मैं तालिमुल इस्लाम पाराम ये कुछ किताबें लाई, मसनून दुआएं मैं लेके आई, जो भी इंकलाब अखबार मेरे घर में आता है मैं पढ़ती हूँ, उसमें एक पूरा